नहा कर आ चुका हूँ। तो मोस्टली यार यही होता है यार, एक जब ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल होता है तुम्हारा, तो तुम जल्दी ज़्यादा नहीं उठते हो। मैं 6:30-7 बजे के आसपास उठता हूँ। उसके बाद वही होता है थोड़ा सा कि बेड वेड सेट करा। बेड सेट करना सबसे मैं कहता हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यार बेड सेट करने से ये होता है कि आपके डे का फर्स्ट गोल जो होता है ना वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो बेड सेट करने से खुद की पॉजिटिव वाइब आती है और आपके ऐसे खाली बेड होता है, जब आपको रेस्ट करना हो तो आप उस पर रेस्ट कर सकते हो। तो दो फायदे हो जाते हैं इस चीज़ के। तो उसके बाद वही ब्रश करा, मम्मी वापस से मिले, सबको ग्रीट करा थोड़ा सा, फिर नहाने चले गए। नहाने के बाद आए तो यार फिर मैं चेक करता हूँ क्लास का शेड्यूल। सबसे पहले क्लासेस का शेड्यूल हमारा ऐसा रहता है कि यार कभी कभी सुबह 8 बजे भी क्लासेस होती हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि क्लासेस 10:15 से हैं। तो उसके अकॉर्डिंग पूरे दिन को प्लान करते हैं और फिर देखते हैं कि कोई टेस्ट है या कोई लैब एवेल्यूशन तो नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ यार NITC का एजू सर्वर कैसा है। NITC के एजू सर्वर में हम लोग कैसे अपनी अटेंडेंस मार्क करते हैं, कैसा ऑनलाइन सिस्टम है। ये ऑनलाइन सिस्टम क्लासेस का बिल्कुल ही अलग है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर क्लासेस होती थी आपकी, गूगल मीट पर हो गई या जूम पर हो गई या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर हो गई। तो चलिए अब सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर मिलते हैं। या सो हाय एवरीवन, मैं होप करता हूँ यार आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यार मैं आपको अपना क्लासेस का शेड्यूल दिखाता हूँ, उसके बाद हम सीधा क्लास देखेंगे कैसे क्लास होती है और कैसे क्लास का अटेंडेंस मार्क करना रहता है। तो आपको तो यार ये हमारा टाइम टेबल है, ये सिर्फ हमारा अभी MCA का मतलब जो क्लासेस का टाइम टेबल वो है, इसमें लैब का सारा टाइम टेबल्स नहीं है। तो इसमें इस तरह से कुछ शेड्यूल रहता है यार कि मंडे को उनको क्लासेस का मतलब थोड़ा सा कभी होता है कि बहुत सारी क्लासेस साथ में होती है, बहुत सारी क्लासेस ऐसा होता है। तो यार आज है 30th of April, मतलब ट्यूसडे है आज। तो आज पहली क्लास है NT की, लॉजिक डिज़ाइन की। तो चलिए यार अब क्लास के ऊपर चलते हैं। तो क्लास में जाने के लिए यार हमारा खुद का एक NITC का एजू सर्वर है। तो एजू सर्वर का खुद का लॉगिन है, हर एक स्टूडेंट को खुद की एक पर्सनल Gmail ID मिलती है। तो Gmail ID से यार हम लोग लॉगिन करते हैं इसके अंदर, मतलब NITC की ऑफिशियल ID दी होती है, तो उससे हम लोग लॉगिन करते हैं। अभी मेरा लॉग इन है, ये तो मैं आपको दिखा रहा कि किस तरह से लॉगिन स्क्रीन आती है, राइट। उसके बाद यहाँ पे यार ये पूरा हमारा सब कुछ जितना भी है कि यार क्लासेस के कौन कौन से शेड्यूल हैं, कौन कौन सी अटेंडेंस है, कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं, कौन कौन से असाइनमेंट्स हमारे सबमिट करने हैं, उसका सारा यार यहाँ पे ये अपकमिंग इवेंट के टैब में हमारे पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। IES आप सबको दिख रहा होगा। उसके बाद यार यहाँ पे आते हैं माई कोर्सेज में। तो माई कोर्सेज में यार जो हमारे 6 सब्जेक्ट हैं जो मैंने आपको अभी अपने टाइम टेबल में दिखाए थे, मेरा जो DM डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, NT लॉजिक डिज़ाइन का, IP इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का, PCS प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट, जिसके अंदर हम लोग इंग्लिश के बाद मतलब इंग्लिश चीज़ें पढ़ते हैं कि कैसे रिज्यूमे बिल्ड करते हैं, टेंसेस का और एक्टिव पैसिव वॉइस, ये सब कुछ। उसके बाद स्टैट का सब्जेक्ट, उसमें हमारे पास बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, और फिर हमारे यहाँ लैब होता है, लैब हमारा थर्सडे को शेड्यूल रहता है, राइट। तो ये भाई वो सारे 6 सब्जेक्ट हो गए, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, स्टैटिस्टिकल मेथड्स और डिजाइन, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग लेबोरेटरी और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। तो पहली क्लास है लॉजिक डिज़ाइन की थी। सबसे पहले लॉजिक डिज़ाइन की क्लास खोलते हैं। यहाँ पे हम लोग आते हैं भैया जनरल इन्फॉर्मेशन में। भैया देखो कितना ऑर्गेनाइज है, मतलब आपको डे वाइज और डेट वाइज हर चीज़ ऑर्गेनाइज मिलती है। सबसे पहले यार अटेंडेंस मार्क करते हैं। तो आज है ट्यूसडे, तो अटेंडेंस ऑफ ट्यूसडे, ट्यूसडे की अटेंडेंस पे जाएंगे। तो यार ये देखो क्लास का रेगुलर सेशन शुरू हो गया 8:55 AM से लेकर 10 AM तक, ट्यूसडे 13th April 2021 को। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं सबमिट अटेंडेंस पे। तो यहाँ पे यार 3 ऑप्शन आ रहे होते हैं, कभी 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 2 आ रहे होते हैं, मतलब प्रेजेंट, एक्सक्यूज और लेट। कि आप अगर पहले 10 मिनट के अंदर अटेंडेंस मार्क करते हैं तो क्लास शुरू होने से पहले तो आपकी प्रेजेंट लगती है। उसके अगर 10-15 मिनट बाद मान लो कि कोई आपका नेट सर्वर है, कुछ इशू है, आप नहीं मार्क कर पाए, तो एक एक्सक्यूज का ऑप्शन रहता है, उस एक्सक्यूज के ऑप्शन पर आप टिक कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप 15 मिनट से और डिले करते हैं तो यार उसकी लेट हो जाता है, टीचर्स भी उसका चीट करते हैं कि आप लेट और क्लास में नहीं आए। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम लगा, मतलब इस चीज़ को देख के ना एक फील आती है कि हाँ तुम एक नेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर हो, तुम्हारा ऐसा नहीं हो रहा कि तुम्हारा जो पहले से बने हुए सॉफ्टवेयर जैसे गूगल मीट हो गई या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गई उसके ऊपर क्लासेस हो रही हैं। तो इसको देख के लगता है कि हाँ तुम एक NITC में हो जहाँ पे खुद का उन्होंने प्लेटफॉर्म डेवलप कर रखा है और खुद से ये सारी चीज़ें आपके लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाई अटेंडेंस मार्क करेंगे, अटेंडेंस मार्क हो गई, सेल्फ रिकॉर्ड हो गई आज की अटेंडेंस, राइट। उसके बाद हम लोग चलते हैं भैया पुराने में, और यहाँ से जाके यार हम लोग पुरानी अटेंडेंसेस पूरी भी देख सकते हैं अपनी, कौन कौन से कोर्स की कैसे कैसी अटेंडेंस रही है। तो सारे अटेंडेंस का शेड्यूल यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो अभी तो मतलब ऑनलाइन क्लासेस में तो मोस्टली अटेंडेंस मेरी सही रही है, राइट। तो कभी कभी होता है यार कि लेट हो जाते हैं, कभी कभी मार्क नहीं कर पाते हैं, कुछ काम होता है या सोते रह जाते हैं, तो अटेंडेंस मिस भी हो जाती है। पर मोस्टली ऐसा होता है कि यहाँ पे 80% अटेंडेंस आपको बनानी होती है, तो 80% आपकी बहुत ईजिली बन जाती है। तो उसके बाद भैया आप आते हैं क्लास के ऊपर कि आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमारी क्लास वैसे होती है सिस्को वेबएक्स के ऊपर, तो उसका मोबाइल ऐप भी है कि अगर आप उनके पास लैपटॉप एक्सेस नहीं है, कंप्यूटर एक्सेस नहीं है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आप मोबाइल ऐप से भी क्लास ले सकते हो, और अगर आप मोबाइल ऐप से नहीं ले रहे तो आप इस तरह से यहाँ जाके
एज सर्वर से भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। तो भैया आज 13 अप्रैल है, तो 10 से 12 अप्रैल के बीच में भी लेक्चर का शेड्यूल आ जाएगा। लेक्चर पे क्लिक करेंगे, राइट। तो यार अभी जो आज की क्लास है वो थोड़ी सी डिले हो गई है, मैं कभी भी मैसेज में आया है, तो ये अब हमारे पास पुरानी क्लास की रिकॉर्डिंग आ जाती है। मतलब जैसे कि अब जो कल की क्लास थी वो 1 बजे हुई थी, भैया ये वो वाली क्लास है। यहाँ पे आप इस रिकॉर्डिंग को प्ले भी कर सकते हो। प्ले करने के लिए आपको टीचर एक पासवर्ड प्रोवाइड करती है, उस पासवर्ड से क्लास प्ले हो जाती है। तो यहाँ पे भी आपको रिकॉर्डिंग का पासवर्ड डालना पड़ सकता है कि भैया सिर्फ आप तक ही वो क्लास अवेलेबल हो और टीचर जो आपको दे। और अगर आप चाहो तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ये कल की क्लास कुछ 1 घंटे 8 मिनट की थी और ये 59 MB की है। तो अभी अभी बस मैसेज आया है कि जस्ट यार क्लास आगे शेड्यूल हो गई है। तो फिर मैं अब आपको 10:15 वाली जो क्लास है हमारी, 10:15 वाली क्लास में मिलता हूँ और आपको उसमें दिखाता हूँ कि कैसे हमारी क्लास स्टार्ट होती है। तो 10:15 है हमारी IB की क्लास, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की क्लास। तो उसमें मैं आपसे मिलता हूँ और आपको और बातें बताता हूँ NIDC एज सर्वर के बारे में। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ भैया हमारी NIDC की ऑफिशियल मेल ID जो हमारे को NIDC से मिलती है, राइट। तो यार ये ID आपकी पूरी ऑफिशियल पर्पस के लिए है। ये आपको कॉलेज ही बना कर देता है, कॉलेज ही आपको इसकी क्रेडिट्स देता है। तो यार इसके अंदर यार आप सब लोग जाके मतलब अपनी कॉलेज की जितनी भी मेल्स होती हैं वो देख सकते हो, जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितनी भी टेक सोसाइटीज हैं वो कोई भी इवेंट करा रही होती हैं, या जो हमारा CP हब है, जो हमारा कोडिंग कॉम्पिटिशन होते हैं, तो ये जो कोडिंग कॉम्पिटिशन होते हैं CP हब के, तो इसके लिए भी आपके यहाँ सारी मेल्स आती रहती हैं। आप अपने फ्रेंड्स और फैकल्टी से कनेक्ट कर सकते हो, अपने मेंटर से कनेक्ट कर सकते हो इसी ईमेल आईडी को यूज करते हुए। तो आपको सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए, आपको किसको एड्रेस करना है, आप सिर्फ नाम टाइप करोगे तो आपको बंदा मिल जाएगा। तो इस तरह से कुछ कुछ मेल्स आती रहती हैं कि कोई इनविटेशन है या कोई ऑनलाइन इवेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको सारा आपके इस वाले जीमेल पे मिलता रहता है। और अगर आप कोई मीटिंग भी ज्वाइन करते हो, कुछ भी ज्वाइन करते हो, तो आपको ये NIDC की ऑफिशियल आईडी यूज करनी पड़ती है, अपने पर्सनल आईडी से ज्वाइन नहीं कर सकते, राइट गाइस। सो मैम का मैसेज आ गया है कि यार क्लास लिंक एक्टिव हो गया है, तो क्लास अब हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए ज्वाइन करते हैं क्लास को। जैसे मैं आपको दिखा रहा था कि यार यहाँ पे आपको शेड्यूल दिख जाएगा, तो ये देखो पहले यहाँ पे एक लेक्चर शो हो रहा था, तो अब यहाँ पे 2 लेक्चर शो हो रहे हैं। तो हम नीचे वाले पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास डिस्क्रिप्शन, डेट आ जाती है, टाइम आ जाता है और क्लास की छोटी ड्यूरेशन आ जाती है कि इतने मिनट तक की क्लास चलेगी। फिर हम लोग करते हैं ज्वाइन मीटिंग। इसको वेबएक्स का क्लाइंट खुल जाता है, तो यार आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इस ऐप को। तो मैं मोस्टली क्या करता हूँ, डाउनलोड नहीं करता, मैं वेब से ही ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें ना आप कन्वीनियंटली एक सिस्टम पे मूव कर सकते हो, राइट। तो ज्वाइन फ्रॉम योर ब्राउजर करते हैं और फिर ये आपके साथ आता है यार कि आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्लास में वीडियो हमारी ऑफ ही रहती है, तो हमारे को ये होता है कि नॉर्मली वीडियो क्लास में ऑफ रहती है, अनम्यूट का हम भी अनम्यूट ज़्यादा नहीं करते। अगर कोई टीचर कुछ पूछता है तभी हमारे को अनम्यूट करना होता है, नहीं तो आप लोग बिना वीडियो ऑन करे और बिना अनम्यूट करे भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से यार क्लास कनेक्ट होती है हमारी। लेआउट थोड़ा चेंज कर देता हूँ, राइट। तो धीरे धीरे भैया 56 बच्चे हैं हमारे NIDC के इस बैच में, धीरे धीरे सब लोग कनेक्ट करते हैं। फिर मैम आती है, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन होती है कि आज कौन सा टॉपिक शुरू होगा। तो अब तो जैसे यार एंड ही है इस सेमेस्टर का, मतलब 2 वीक्स बचे हैं, उसके बाद हमारे एंडसेम है, एंडसेम के बाद सेकेंड सेमेस्टर शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में कुछ बताया है कि यार 1 साल में 3 सेमेस्टर होने वाले हैं, तो थोड़ा सा जो शेड्यूल है हमारा हेक्टिक हुआ है, पर साथ में उसका एक खुद का फन भी है यार, एडवांटेज भी है कि हम थोड़ा बिजी और इन्वॉल्व रहते हैं। जिस तरह से मतलब हमारा ये जो कोरोना की नेगेटिव बातें हैं इनसे ध्यान हटता है कि जो केसेस बढ़ रहे हैं कुछ हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा एक सिनेरियो हमारे साथ रहता है। तो बस अब स्टार्ट शुरू, मतलब जैसे ही पार्टिसिपेंट्स पूरे हो जाते हैं तो क्लास शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग के 3 सबमिट होते हैं कि सब लोग ज्वाइन कर लें। आज क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई है 5 मिनट की डिले से, तो लोगों को आने में टाइम लग रहा है, नहीं तो ऐसा होता है कि मोस्टली सब 2-3 मिनट के टाइम में ही ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि सारा शेड्यूल ऑलरेडी हमारे को गिवन होता है, राइट। तो जैसे मैं आपको बताता था यार ये हमारा एजु सर्वर है, तो इसमें ये है कि यार आगे की जितनी क्लासेस हैं वो भी सारी शेड्यूल हो जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 10:15 मेरी इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग IP की क्लास है, तो अगर मैं यहाँ जाऊँगा IP के अटेंडेंस के अंदर, तो मैं देखूंगा कि भैया 10:15 वाली जो क्लास है कि 13 अप्रैल ट्यूजडे को 10:15 वाली जो क्लास है, इसके अटेंडेंस का सेशन भी आ चुका है यहाँ पे, ये सारे आपको दिखते रहते हैं। सो ये बहुत मतलब एक ये चीज़ अलग सी होती है, एक फील आती है आपको यार ये कि आप नेशनल इंस्टीट्यूट पर, मैंने पहले भी बोला ना, तो यार एक बहुत पॉजिटिव चीज़ें होती हैं ये, मतलब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मतलब एक रीजनरेट फील कराती है कि हाँ यार हमारे पास एक ऐसा सिस्टम डेवलप्ड है, हम एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पर ये सब कुछ हमारे को फैसिलिटीज मिल रही है। तो वापस क्लास पे आ जाते हैं यार।
यार तो मैं ब्रेकफास्ट ले आया हूँ, तो मोस्टली यही होता है कि सुबह की जो पहली क्लास होती है दूसरी क्लास होती है तो हम उसी के साथ में ब्रेकफास्ट ले लेते हैं। तो ऑनलाइन क्लास होने का ऑनलाइन क्लास होने का ये हमारे को एडवांटेज हो जाता है कि तुम ब्रेकफास्ट क्लास के साथ साथ कर सकते हो, राइट। तो यार आज के ब्रेकफास्ट में है साबुदाना, चिप्स, व्रत वाला सारा खाना और साथ में भाई मेरी फेवरेट खीर। तो जल्दी से मैं इसे फिनिश करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। या सो हाय गाइस, तो आई एम बैक आफ्टर यार ब्रेकफास्ट करके वापस आ चुका हूँ और अब अगली क्लास है 10:15 वाली, पिछली क्लास 10 बजे ओवर हो गई थी। तो अब चलते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में, राइट। कभी कभी ऐसे बताता हूँ थोड़ा सा सर्वर स्लो हो जाता है जब बहुत सारे टेस्ट एक साथ होते हैं, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, बाकी तो स्पीड इज वेरी गुड। तो अब अटेंडेंस मार्क करेंगे इसमें, उसके बाद अपनी क्लास शुरू करते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा था कि भाई जैसे टाइम होगा वैसे सब अटेंडेंस का ऑप्शन आ जाएगा, राइट। तो यहाँ जाके वही तीन ऑप्शन आ गए, प्रेजेंट, एक्सक्यूज और लेट का। तो अभी हम टाइम पर हैं तो प्रेजेंट सेव करते हैं। इसी के साथ यार एचयू सर्वर की एक और बेस्ट जो चीज मेरे को लगती है ना वो ये है कि इसमें सब कुछ एक ऑर्गेनाइज वे में रहता है। ऑर्गेनाइज वे इन द सेंस कि जैसे कि टीचर को कोई बुक अपलोड करनी है, कोई असाइनमेंट अपलोड करना है या कुछ देना है, तो जैसे क्या होता है कि नॉर्मली टीचर व्हाट्सएप पे डालते हैं, यहाँ डालते हैं, वहाँ डालते हैं, कुछ होता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर आपको मैं कोर्स प्लान दिखाऊंगे इसका आईपी के सब्जेक्ट का, तो कोर्स प्लान भी भैया पूरा डिफाइंड है कि यार मिड टर्म वन की वेटेज 30% है, मिड टर्म टू की वेटेज 30% है, असाइनमेंट और फिजिक्स की वेटेज 20% है, एंड सेमेस्टर की वेटेज 20% है। वैसे तो एंड सेमेस्टर की वेटेज 80% होती है, बट ड्यू टू द कोविड टाइम की वजह से क्या हुआ है कि बच्चे ऐसा होता था कि एंड सेमेस्टर में चीटिंग हो रही थी, कुछ हो रहा था, तो सब सारी चीज़ों को रोकने के लिए, प्लैगरिज्म को रोकने के लिए उन्होंने एंड सेमेस्टर की वेटेज कम कर दी है और सारे मार्क्स को डिवाइड कर दिया है मिड सेम वन में, मिड सेम टू में, असाइनमेंट्स और क्विजेज में। और साथ में साथ यार हमारे यहाँ पे होता है रिलेटिव ग्रेडिंग पॉलिसी। रिलेटिव ग्रेडिंग पॉलिसी क्या होती है कि यार जैसे मतलब बाकी जगह पहले होता था हमारे साथ में कि अगर आप 90 से 100 के बीच में ला रहे हो तो भैया आपका ए ग्रेड है, 80 से 90 के बीच में ला रहे हो तो बी ग्रेड है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, मतलब दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, पर यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर हाईएस्ट ही 70 गए हैं तो भैया मतलब 100 की जगह 70 मार्क्स को क्यूमुलेटिव मतलब मान लेंगे और 70 मार्क्स को रिलेटिव लेते हुए मार्क्स दे रहे होंगे। तो जैसे पहले होता था कि भाई 90 से लेकर 100 तक का डिवीजन है, 80 से लेकर 90 तक का डिवीजन है, तो अगर 70 मार्क्स हाईएस्ट है तो 63 से लेकर 70 का डिवीजन हो जाएगा, ऐसे 56 से लेकर 63 का डिवीजन हो जाएगा, तो उस तरह से स्केल डाउन कर देते हैं। तो ऐसे अगर किसी के 70% मार्क्स भी आते हैं तो उसको एस ग्रेड मिल जाता है, और एस ग्रेड हमारे यहाँ एनआईटी कैलिकेट में सबसे टॉप ग्रेड है। एस के बाद ए ग्रेड आता है, फिर बी ग्रेड आता है, फिर सी ग्रेड आता है, तो इस तरह से ये चलता है, राइट। उसके बाद है पूरा कोर्स शेड्यूल दे रखा होता है कि यार कौन सी वीक के और कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे, जैसे कि हमारा भैया ये बेसिक जो सी होता है उसका था, तो इसमें सारा आप देख सकते हो एरेज, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट्स, वही इटरेटिव फॉर लूप, ये वो इंसर्शन सॉर्ट सारी आ गई हमारी, फिर भैया मर्ज सॉर्ट, पिक सॉर्ट, रिकर्सिव सॉर्ट्स के प्रोग्राम हो गए, फिर पॉइंटर्स एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, लिंक लिस्ट, टास्क एंड क्यूज, सारे अपने डेटा स्ट्रक्चर्स में कहीं ना कहीं पड़े होंगे, फिर मेन रेफरेंस बुक्स दे रखी होती हैं और इंस्ट्रक्टर के नाम होते हैं। तो ये एक बहुत ना ऑर्गेनाइज है, मतलब आपको सब कुछ एक वो मिलता है, ये नहीं होता कि आपको कहीं भटकना पड़ रहा है, कुछ ढूंढना पड़ रहा है, तो ये चीज़ मेरे को इसकी एक बहुत अच्छी लगती है। और अगर बाकी बुक्स की बात भी करूँ तो देखो जैसे कि अब सर पीपीटी से हमारे को पढ़ाते हैं तो पीपीटी से हमारे को अवेलेबल हो जाती है, जैसे मैं आपको दिखाऊं कि यार ये पीपीटी थी सर की बनाई हुई, तो ये पीपीटी हमारे पास अवेलेबल हो जाती है कि बच्चों के पास एक रेडी रेफरेंस है पढ़ने के लिए, मतलब पीपीटी भी आप यूज़ कर सकते हो और जो बाकी बुक्स हमारे पास अवेलेबल है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। चलिए यार अब क्लास का टाइम 3 मिनट से एक्स्ट्रा हो गया, बाकी हमारे मतलब पेपर्स भी इस तरह से होते हैं, मिड टर्म पार्ट वन, मिड टर्म पार्ट टू, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कभी कि जब पेपर होगा, मतलब इस तरह से पेपर है, लैब टेस्ट है, तो उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से पेपर होते हैं, राइट। इसके बाद भैया आज की क्लास शुरू करते हैं 13-4 की, एसिम्प्टोटिक नोटेशन एंड कंपेयरिंग फंक्शंस पर ज्वाइंट मीटिंग करते हैं। तो भैया अभी मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो वेट करते हैं, सर जब स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, लिंक ओपन होना शुरू हो जाएगा तो मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यही रहता है यार थोड़ा सा शेड्यूल का, फिर ये पार्ट होता है कि अब जो बचा हुआ बीच में कभी कभी टाइम होता है हमारा, किसी दिन जैसे ट्यूसडे का दिन होता है थोड़ा सा ज्यादा क्लास शेड्यूल्ड होती है, अगर बीच में ऐसा होता है कि क्लासेस कब शेड्यूल्ड है तो थोड़ा यूट्यूब के ऊपर मैं ध्यान दे देता हूँ, बच्चों के रिप्लाई कर देता हूँ इतनी देर में। यस सो राइट गाइस, क्लास स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे हमारी क्लास चल रही है आईपी की, इसमें हम लोग अभी एसिम्प्टोटिक नोटेशन और वो बिग थीटा, बिग ओ और बिग एन पढ़ रहे हैं, राइट। ये होते हैं यार साथ में हमारे साथ होती है क्लास कमेटी मीटिंग्स यार,
तो जो अब आप सीआर बनते हो तुम, तो सीआर के साथ यहाँ पे ना एक हायरार्की होती है। जैसे मैं तो बताता था कि एनआईटी कैलीकट में पूरी तुम्हें चीज फॉलो करनी पड़ती है कि तुम्हारे ऊपर एक एफए होता है, तुम एफए से बात करो, फिर फैकल्टी से बात करो, फिर फैकल्टी ऊपर डीन से बात करेंगी, फिर वो चेयरपर्सन से बात करेंगे। तो इस तरह से ना एक पूरी हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है। तो तुम्हारे पास बहुत अलग अलग पोस्ट भी होती है। जैसे मैं सीआर हूँ, क्लास रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ऐसी पीआर की पोस्ट होती है जो प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक बीआर की पोस्ट होती है, और सैक मेंबर्स होते हैं हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स होते हैं। तो वो सारा जितना भी हॉस्टल का सामान मतलब होता है कि यार कोई दिक्कत हो रही है किसी को, वो देखते हैं, कोई इंटरनल लड़ाई है या किसी भी फैकल्टी से कुछ बात करनी है, कोई फैकल्टी सही से मतलब पढ़ा नहीं रही है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो वो सैक की बॉडी जो है वो देख रही होती है, राइट। तो उसी के साथ में यार हमारी सीसीएम की मीटिंग्स होती हैं, क्लास कमेटी मीटिंग है। जैसे अभी भाई रिसेंट जो मीटिंग थी वो पिछली मार्च में हुई हुई थी हमारी, तो जितने भी फैकल्टी मेंबर्स होते हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ यार जो हम दोनों सीआर हैं, मैं बॉयज सीआर और कशिश गुप्ता जो मेरी फ्रेंड है वो गर्ल्स सीआर है, तो यार हमारी मीटिंग ऐसे होती है, मतलब पूरा एक प्लान और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है इस चीज़ का भी कि जैसे मीटिंग होती है तो सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं कि भैया क्लास के एवरेज मार्क्स क्या आ रहे हैं, हाईएस्ट मार्क्स कितने जा रहे हैं, लोअर मार्क्स कितने जा रहे हैं, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं है। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ होती है जो आपको ना एनआईटीज में मिलेंगी, आपको नॉर्मल कॉलेजेस में आपको मिसिंग लगेंगी। तो इस तरह से पूरा इनका वेन्यू डिसाइड होता है और हमारे को ऐसे इनवाइट किया जाता है, तो मीटिंग में हम लोग जाते हैं। तो मैं जो सीनियर्स है वो बताते हैं कि अगर तुम ऑफलाइन होते तो ऑफलाइन तो मतलब पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल में ऐसे मीटिंग होती है, तो उसको हम मिस कर रहे हैं अभी, लेकिन जैसे ही कॉलेज जाएंगे होप से जल्दी खुल जाए, कोविड सिचुएशन ठीक हो, हम भी कॉलेज जा पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है यार अभी कि कॉलेज खुले तो एनआईडीसी का बीच देखेंगे, आगे हिल स्टेशन घूमेंगे, कुछ भी करेंगे, तो बहुत सारी एक्साइटमेंट है, हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस करने की भी एक्साइटमेंट है, राइट। साथ ही साथ यार हमारे साथ है हमारा सीएससी है, अब मैं सीएससी का भी मेंबर हूँ। अब सीएससी क्या है, सीएससी हमारी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एसोसिएशन है एनआईटीसी की। तो इसमें यार एमसीए डिपार्टमेंट, एमटेक डिपार्टमेंट और बीटेक डिपार्टमेंट साथ में मिलकर यार हम कोडिंग कॉम्पिटिशन करवाते हैं, अलग अलग इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग डोमेन से लोग आते हैं, तो वही चीज़ होती है ना कि तुम लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हो, तुम देख पाते हो। तो यार ये सारी फोटोज हैं जो पुराने जो हुए थे ऑफलाइन हुआ था तो उसकी है, अभी तो यार ऑनलाइन सारे इवेंट्स हो रहे हैं। तो अभी हमने गिट का रिसेंटली इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था तो हमने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था, राइट। तो ये सीएससीए है, इसके लिए आपको मतलब टेस्ट होता है, टेस्ट होता है और एक इंटरव्यू राउंड होता है, वो क्लियर करना पड़ता है, तो आप सीएससीए के मेंबर बन सकते हो। तो हमारे इस साल करेंटली एमसीए डिपार्टमेंट से 4 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं सीएससीए में, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में तुम इन्वॉल्व होते हो तो यार ये तुम्हारे को ग्रो करने में हेल्प करती हैं, तुम्हारे को एक ओपन अप होने में हेल्प करती है कि तुम कैसे अपने बात कर पा रहे हो, कैसे अपने आइडियाज एक्सप्रेस कर पा रहे हो, और जब तुम लोगों से मिलते हो तो तुम उनके आइडियाज को अपने अंदर ले पाते हो, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होती है। तो यार जितना तुम एक्टिवली पार्टिसिपेट करो इन चीज़ों में उतना ही ज़्यादा सबके लिए अच्छा होता है, राइट। तो ये दो चीज़ें मेन थी जो मैं आपको और बता रहा था सीएससीए और इसकी। बाकी अब क्लास के बाद मिलते हैं, और क्लास खत्म होती है मैं फिर आप लोगों से कनेक्ट करता हूँ। सो यार बहुत सारे बच्चे मेरे से यूट्यूब का भी पूछ रहे थे कि आप यूट्यूब को कैसे मैनेज करते हो, कैसे कैसे रिकॉर्ड करते हो। यार मैं कोई भी एक्सटर्नल माइक या एक्सटर्नल वेबकैम यूज़ नहीं, मतलब कोई कैमरा यूज़ नहीं करता हूँ, मैं नॉर्मल वेबकैम और अपने मोबाइल का नॉर्मल जो बैक कैमरा होता है, नॉर्मल बैक कैमरा से वीडियोज़ बनाता हूँ, तो इससे भी मतलब बहुत सही बन जाती है इमेजेस, और ऑडियो जो होती है आई गेस आप सबको सही रहती है। मैंने बहुत सारे बच्चों से वैसे स्टार्टिंग में पूछा भी था ऑडियो का, तो सही रहती है। तो यार ये ओबीएस स्टूडियो का पूरा सेटअप है, सॉफ्टवेयर है, आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा, फ्री टू डाउनलोड है, तो आप इससे रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं। तो मैं क्लास में वापस हेलो, चलता हूँ आर यू ओके? और आपसे अब क्लास के बाद मिलता हूँ। यस सर, यस सर। या सो राइट गाइस, ये मेरी क्लास खत्म हो गई आईपी की। अब हमारी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की क्लास है, इंग्लिश की क्लास होती है यार ये। तो इसमें वही सारी चीज़ें मतलब कैसे सीवी बनाते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चों को डाउट रहते हैं कि कैसे करना है और बहुत सारों को आता नहीं है, तो इसमें पूरा आपको रेफरेंस दिया जाता है कि कैसे वो चीज़ें करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी वर्क करवाते हैं। तो ये बहुत अच्छी क्लास है, और ये सी जो टीचर हैं इसके 2 टीचर्स हमारे, और दोनों ही बहुत प्रोफेशनल है और बहुत अच्छे से कराती हैं। इसे भी सबसे पहले अटेंडेंस मार्क कर देते हैं इसके अंदर, अटेंडेंस सबसे मतलब सही सिस्टम है इसका कि तुम नॉर्मल मार्क कर लेते हो, सबसे बताया ना कि तुम जाते हो अटेंडेंस पर लगाते हो, तो बहुत सही सिस्टम है वो। तो इसमें तुम्हारे ऊपर एडिबिलिटी रहती है कि तुमने अगर मार्क नहीं करी तो मे भी तुम प्रेजेंट नहीं थे, तो उसकी चिंता नहीं होती कि टीचर ने पता नाम सुना या नहीं सुना या दिया या नहीं दिया, ये बहुत सही सिस्टम लगता है। चलते हैं, शुरू करते हैं। थोड़ा सा नेट स्लो आ रहा है, पता नहीं क्या।
रात की क्लास में मतलब बहुत इंटरेक्टिव लगती है, बहुत अच्छी होती है और एक मजा आता है जब आप इस क्लास में लोगे तो एक इन्वायरमेंट अलग रहती है कि हाँ कुछ नया सीखने को मिल रहा है, चीज़ें मतलब किसी ने बताई थी हमको एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम लोग, उसको अच्छा भी लगता है और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार थोड़े टाइम बाद अपने क्लास में बैठोगे या कहीं बैठोगे तो बहुत सारे लोग पैसे प्रोफेशनल रिज्यूमे डिजाइन करते हैं, मतलब बहुत सारे का सोचा भी अच्छा सा होता है किसी के भी अपने दीदी होती है हेल्प करती है बनाने में, पर बाकी जो लोग होते हैं बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता किसी चीज़ के लिए बहुत हेल्प करते हैं। चलिए यार क्लास शुरू करते हैं। तो गाइस एक चीज़ और थी कि यार 12:15 जो होता है NIT कैलीकट में लंच ब्रेक हो जाता है, मतलब अगर हम लोग हॉस्टल में होते तो यार 12:15 से एक मैस में लंच सर्व होता, पर अभी ऑनलाइन मोड है तो यार अभी हम 12:15 से एक वो होता है कि सब लोग खाना खाते नहीं है, तो मोस्टली जब भी होता है 1 बजे की क्लास शुरू होती है तभी मैं लंच कर रहा होता हूँ। तो अभी हमारा यार अब लैब टेस्ट है थर्सडे को, 2 से 5 हमारी लैब टेस्ट चलता है। लैब टेस्ट कैसे होता है कि हर गूगल मीट के ऊपर हर हमारे को ना TAs असाइन हो जाते हैं कि यार इन 8 बच्चों की ATA, इन 8 बच्चों की ATA, 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 तो हमारे को क्वेश्चन आ जाता है, फिर हमारे को क्वेश्चन का स्यूडो कोड लिखना होता है, स्यूडो कोड लिखने के बाद हमारे को कोड करना होता है, तो जब हम फर्स्ट कोड कर लेते हैं तो हमारे को उसका सेकंड पार्ट जो होता है क्वेश्चन 2 होता है वो उसकी उसको कोड करने को मिलता है। तो मैं हो सकेगा तो थर्सडे का जो कोडिंग एक्सपीरियंस है उसको भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा, पर ये होता है कि उस समय प्लैगरिज्म चेक और ये सब कुछ होता है तो शायद मैं कैमरा इतना ना यूज़ कर पाऊँ, तो मैं ट्राई करूँगा कि टाइम लैप्स वाला व्यू बना के आप सबको दिखा पाऊँ कि किस तरह से हम लोग टेस्ट देते हैं इसके अंदर। राइट, सो अब लंच ब्रेक है तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो इस समय मोस्टली ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत यार यूट्यूब पे मैं कमेंट्स बच्चों के पढ़ लेता हूँ, रिप्लाई कर देता हूँ या थोड़ा बहुत बाहर बाहर देख लिया कि क्या हो रहा है, और नॉर्मली ऐसा होता है कि इस टाइम पे कुछ चटर पटर खाने का मन कर रहा होता है। अच्छा राइट, तो यही है बाकी थोड़ा सा। अब इस टाइम पे ये होता है कि पावर नाप लेने की ज़रूरत पड़ जाती है अगर सुबह 8 बजे के उठे होते हैं तो थोड़ी सी ना नींद आती है, तो या तो इस टाइम पे या फिर दोपहर के टाइम पे जब दोपहर की क्लासेस ख़त्म होती है तो एक पावर नाप ले लेते हैं। तो यही मतलब बेसिकली शेड्यूल रहता है। और अगर बच्चे कह रहे थे कि भाई आप जो वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हो, तो यार ये मेरा डेस्क था, मैंने जैसे पहले ही बता रखा है, तो डेस्क पर बैठ के भैया मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। यहाँ पे चेयर है, पीछे वही वाला बैकग्राउंड, और यहाँ पे अपना जो मैंने फर्स्ट वीडियो में शायद आपको बताया भी था कि भैया अपना गोल क्लियर रखना है, सामने अपना गोल बिल्कुल बिल्कुल दिखना चाहिए स्टडी टेबल के अंदर, ये स्टडी टेबल के वीडियो बनाते टाइम मैं ऐसे कर लेता हूँ, और जब वीडियो नहीं बना रहा होता तो ये टेबल को मैं यहाँ वापस ले आता हूँ। पीछे वो फाइबर वाला बॉक्स लगा हुआ है वाईफाई का, तो नॉर्मली जब मैं पढ़ता था तो मैं ऐसे पढ़ता था, अभी थोड़ा टेबल बहुत ज़्यादा ही मैसी हो रहा है, थोड़ा तो नहीं। राइट, और इस तरह वही जो मैंने आपको कहा था भैया इंटीग्रेशन के फॉर्मूलास पड़े हुए थे, ये पढ़ा हुआ था, ये अभी तक मैंने लगा रखा है, यार इनसे एक पॉजिटिव वाइब आती रहती है तो मैंने अभी इनको हटाया नहीं है। और आपके लिए भी जब मैं वीडियोस बनाता हूँ ना तो ये चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं कि इतनी सारी ऑडियंस जो जुड़ी हुई है वो वेट करती है कि उनको वीडियो इतनी अच्छी लग रही है, और आपके कमेंट्स अच्छी हैं बहुत मोटिवेटिंग होते हैं यार। अगर अभी तक आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, कमेंट्स में बताओ कि आपको कैसा ये एक्सपीरियंस लग रहा है रूम टूर का भी और साथ में NIT कैलीकट की ऑनलाइन क्लास का, जैसे मैं आपको बता रहा था जो सर्वर का और ये सब कुछ का, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली क्लास के अंदर लंच के साथ। यार सो हाय एवरीवन, टाइम हो रहा है 2:00 PM, और आज हमारी DM की जो 2 बजे वाली क्लास थी वो कैंसिल हो गई है, तो अब लंच टाइम भी हो रहा है साथ साथ, तो यार आज फास्ट है तो आज फास्ट के लिए ये लंच है। तो चलिए मैं लंच करता हूँ और उसके बाद लंच करके आप सबसे मिलता हूँ। तो यार अब अप्रॉक्स टाइम हो रहा है 3 बजे और आज हमारी DM की क्लास कैंसिल हो गई थी, तो अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर सो जाऊँ, थोड़ा सा रेस्ट करें, पावर नाप लें, उसके बाद शाम को उठ के 5 बजे स्टार्ट की क्लास है, तो स्टार्ट की क्लास में मैं आप सबसे मिलूंगा और उसके बाद आगे का रूटीन बताऊंगा। राइट, सो गाइस यार 5 बजे वाली क्लास का टाइम हो गया, तो फटाफट से बस मैं अटेंडेंस मार्क करता हूँ। अब आपने सब कुछ देख ही लिया होगा कि कैसे अटेंडेंस का प्रोसेस रहता है, तो अब स्टैटिस्टिक्स की क्लास है, फटाफट से अटेंडेंस मार्क करते हैं और क्लास को ज्वाइन करते हैं। मैं होप करता हूँ यार आपको ये पूरा डे का हमारा एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। आज जैसे 5 बजे शेड्यूल थी, ऐसे यार अलग अलग टाइम रहता है, लैब्स का सब होता है तो लैब 3-4 घंटे की होती है तो लैब में थोड़ा ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व हो जाता है, पर बीच में ऐसा होता है कि आपको एक डिसेंट टाइम मिल जाता है कि अगर आप कुछ अपनी हॉबी फॉलो करते हो या कुछ और फॉलो करते हो तो आप फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आता है। बस ये है कि थोड़ा सा आपको मैनेज अच्छे से करना पड़ता है चीज़ों को कि हाँ आप दोनों चीज़ को एक ईज आउट करके और बैलेंस करके चल पा रहे हो। बाकी थोड़ी बहुत खुद से सेल्फ टॉक करा करो यार, अच्छे से खुद के इम्प्रोवाइज फैक्टर्स देखा करो कि यार आज मेरे को ये चीज़ इम्प्रूव करनी है या आज मैं ये चीज़ करके सोया, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाया करो। रात को सोते हुए खुद से बात करा करो कि यार आज मैंने ये चीज़ अच्छी करी है, ये चीज़ बुरी करी है, और साथ ही साथ यार खुद को हाइड्रेटेड रखो, एक पानी की बॉटल के साथ जरूर लेके बैठो। मैं अपने साथ हमेशा एक पानी की बॉटल लेके बैठता हूँ क्योंकि यार प्यास जब लगती है, मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चे पानी कम पीते हैं आजकल, तो उसकी वजह से यार बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है तो उससे एनर्जी कम होती है, तो जितना पानी पी सकते हो उतना पानी पियो, पानी पीना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट,
तो बस ये आज की लास्ट क्लास है 6 बजे के बाद। कैंपस में भी कोई क्लासेस नहीं होती हैं और यहाँ ऑनलाइन में भी हमारी कोई क्लास नहीं होती है, तो ये मैथ्स डिपार्टमेंट की क्लास रहती है, तो इसलिए इसकी टाइमिंग थोड़ी सी रहती है। चलिए अब मैं आपसे क्लास की बात करूँ। ऑल द बेस्ट। Now, actually, we want to check whether is P2 is greater than. राइट गाइस, सो यार टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं एग्जैक्टली, और अब टाइम है यार क्लास मीट का। तो आज की क्लास मीट का एजेंडा है कि हमारे को जो हमारा डीएम का टेस्ट होने वाला है उसका सिलेबस डिस्कस करना है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ यार सीआर की भी कुछ ड्यूटीज क्या रहती हैं एनआईटीसी के अंदर। राइट, तो ये रहा भाई क्लास मीटिंग का, मैंने लिंक बना के सबको भेज दिया था व्हाट्सएप पे कि हमारा ऑफिशियल क्लास ग्रुप है, तो सबको लिंक भेज दिया था, सब लोग धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे। एक बार मैं अपना अकाउंट स्विच करके एनआईटीसी के ऑफिशियल अकाउंट से ज्वाइन कर लूँ। गाइस यार यहाँ पे अभी क्लास की मीटिंग चल रही है और हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा सिलेबस क्या होगा। तो ऐसे मतलब पूरा स्क्रीन शेयर करके हम लोग थोड़ा सिलेबस डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कौन से टेस्ट में पार्ट आ सकता है। तो यहाँ पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है टीचर्स के हाथ में भी और स्टूडेंट्स के हाथ में भी कि वो कोर्स को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एनआईटीसी की एक बहुत अच्छी बात है। हे गाइस, तो यार जस्ट अभी फ्री हुए हैं, तो सब कुछ ख़त्म हुआ है, लैपटॉप फाइनली बंद कर दिया है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए, शाम को वॉक करना इंपॉर्टेंट है, तो वॉक करने से पहले मास्क ऑन ताकि कोविड से भी अच्छे से फाइट कर सके। तो मैं वॉक करने के बाद अब सबसे मिलता हूँ। हाय गाइस, सो मैं अभी वॉक करके वापस आ गया था, फिर जस्ट डिनर करा, डिनर करने के बाद थोड़ी सी बस फैमिली टाइम, और अब फाइनल टाइम है वीडियो का एडिट करने का। उसी के साथ यार मैं आप सबको मिलवाता हूँ वन स्टॉप एमसी की पूरी टीम से कि कौन कौन भाई वन स्टॉप एमसी के लिए क्या क्या काम करता है, कैसे पूरी टीम मैनेज होती है। तो चलिए यार, तो सबसे पहले कशिश, कशिश जो है सारा, हाय कशिश, तो सारा कंटेंट जो वन स्टॉप एमसीए का है कशिश लेकर आती है, और जितनी भी पीपीडीज आप देखते हो सुंदर सुंदर सी और जितने भी थंबनेल आप देखते हो सुंदर सुंदर से, सारे कशिश डिज़ाइन करती है। इसका आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा है और कशिश भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही है। उसके बाद शशि भाई, बेस्ट जब सोल हमारे, तो शशि भाई भैया वीडियो का एडिट करते हैं, जितनी भी वीडियो में बढ़िया बढ़िया एडिटिंग है सारी शशि भाई की होती है। फिर हम आते हैं यश भाई के पास, यश भाई, हाय यश भाई, सारा जो हमारा कंटेंट है वीडियो का वो सारा यश भाई लेकर आता है, मतलब जो भी क्वेश्चंस होते हैं या जिस तरह का मैनेज होता है या जो आपके रिप्लाइज भी होते हैं वो भी यश भाई दे रहा होता है। तो ये हमारी वन स्टॉप एमसी की पूरी टीम है, हम ऐसे कोऑर्डिनेट करके रात को से मिलके थोड़ा सा मूवी टाइम भी कभी साथ साथ करते हैं कि साथ में बैठ के कभी मूवी देखते हैं कुछ ऐसा सा, तो थोड़ा इन्जॉयमेंट रहता है, मतलब पूरे दिन का जो प्रेशर होता है ना वो यहीं फ्रेंड्स के साथ खत्म हो जाता है। तो ये वन स्टॉप एमसीए की टीम। यस, तो मैं होप करता हूँ यार कि आप सबको जो हमारा एनआईटी कैलीकट का एक डे है ऑनलाइन क्लासेस का अच्छा लगा होगा। ये हमारे लिए भी एक बिल्कुल अलग तरह की वीडियो थी और इसमें बहुत सारी मेहनत लगी है यार, बहुत सारी एडिटिंग लगी है, अलग अलग एंगल से शॉट करा है, कुछ लैपटॉप के शॉट्स है, कुछ मोबाइल के शॉट्स है, कुछ कैमरा के शॉट्स है। फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको मोटिवेटिंग लगी है तो इस वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट निमसेक 2021 का और भी बहुत सारे पेपर्स का, जैसे DUMCA, DUMSC और आगे महाराष्ट्र CET और BHU और पुणे यूनिवर्सिटी के लिए हम सारा कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहे होंगे इसी चैनल के ऊपर। साथ ही साथ अभी हमारा एक जो आगे सीरीज आने वाली है वो आपको लॉजिकल रीजनिंग और कंप्यूटर सेक्शन के लिए हेल्प कर रही होगी। तो इसी के साथ यार आज की इस वीडियो को एंड करते हैं, होप करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे से आप लोग अपना ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट एंड प्रिपेयर वेल। Stories and I'm a fool for your love.